शाम के बज रहे हैं 5 और मैं आ गई हूँ नहा के। शाम को नहा रही हूँ आजकल मैं, रोज 5 बजे 6 बजे सुबह से ऐसे लेटे लेटे ये सब चला जा रहा है। अभी मैं नहा के आई हूँ, अभी मैं सर में लगाऊंगी तेल, क्योंकि ना कल भी मैंने हेयर वॉश किया था, परसों भी किया था, लेकिन वो नहीं जा रहा है, कलर नहीं जा रहा है बालों से, अजीब सा ही हो रखा है। आईब्रोज जब मेरे आ जाते हैं ना तो फेस बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगने लग जाता है, कितना भी फिर मैं कुछ भी कर लूँ, मेरी आईब्रोज की ग्रोथ बहुत ही जल्दी जल्दी है। आपको पता है इन सारी चीज़ों में इतनी मैं उलझी हुई थी कि जो ज़रूरी काम थे वो सब मैं भूल ही गई थी, सारे कोलैबोरेशंस वगैरह सब बंद कर दिया था, बट अभी सब स्टार्ट करूँगी। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक काम था जो बस ऐसे लेटे लेटे मुझे याद आया कि वो काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सर में तेल लगा लूँ, उसके बाद चाय बनाऊँगी, पापा जी मैं और रवीना पियेंगे। आजकल घर पर हम लोग सिर्फ 4 जने रहते हैं, मैं रवीना और पापा जी और धनवी। धनवी की भी स्कूल की छुट्टियां पड़ी हैं, 1 अप्रैल से धनवी का स्कूल खुलेगा। पहले मैंने सोचा था ना, क्योंकि अब तो धनवी का भी स्कूल हो गया, तो पहले था कि कभी भी चले जाओ घर, चाहे कहीं घूमने वूमने, बट अब धनवी का स्कूल हो गया। नहीं रवीना, ठंडा तेल नहीं है, ये वाला लगाऊंगी नारियल का। तो उसके हिसाब से प्लान करना पड़ता है, तो हमने प्लान किया था कि जब धनवी के स्कूल की छुट्टियाँ भी पड़ जाएंगी और इधर गुड फ्राइडे वगैरह की छुट्टी रहेंगी ऑफिस की, तो कहीं घूमने जाएंगे, जिम कॉर्बेट वगैरह। लेकिन अभी नहीं जा रहे कहीं भी, क्योंकि बस नहीं जा रहे, और धनवी की छुट्टियाँ भी हैं, तो जिम कॉर्बेट सोचा था, उसके बाद मैंने सोचा थोड़े दिन तक घर जाऊँगी, घर पर थोड़ा घूम के आऊँगी। लास्ट में घर पर गई थी रहने के लिए 3 दिन के लिए करवा चौथ के टाइम पे, उसके बाद से नहीं गई हूँ। और ऐसे तो जाके आ जाती हूँ, आज जाके वो वाला जो बैठने वाला है ना वो लेते हो, जाके आ जाती हूँ, बट रहने के लिए नहीं गई हूँ, जाऊँगी अब, देखती हूँ कभी और जाऊँगी। उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी तेल लगवा के फिर जाती हूँ। एंड थैंक यू सो मच आप सभी को कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया, इतना प्यार किया, उसके लिए दिल से थैंक यू। क्योंकि आपको पता है जब ज़िंदगी में तकलीफ़ होती है ना, तो तब आपके साथ जो इंसान खड़े रहते हैं असल मायने में, तभी समझ में आता है कि ये आपके अपने हैं या पराए हैं। तो वो चीज़ समझ आ गई है मुझे, उसके लिए दिल से थैंक यू। और रवीना दीदी, अपने घर से होली खेल के आ गई हो? अच्छा रवीना, सब कह रहे तुम्हारा एक YouTube चैनल बना दूँ, बना दूँ? फिर तो रवीना दीदी ना पढ़ाई करेंगी ना कुछ काम करेंगी। एक्चुअली मैं रवीना ही बोलती हूँ, लेकिन ऐसा होता है ना कभी कभी मस्ती मजाक में रवीना दीदी ये वो, रवीना जी चिढ़ाने के लिए बोल दिया, तो वही है। और क्यों रो रही थी उस दिन अपने घर जा रही थी? तो ऐसे कुछ तो रीज़न होगा तुम्हारे रोने का। नहीं बताओ बताओ, जाने का मन नहीं कर रहा था? धनवीर रोती, धनवीर रोती इसलिए तुम पहले ही रोने लग गई। चलो लगा दो तेल, उसके बाद चलते हैं, थोड़े से कपड़े वगैरह निकालने हैं, रखने हैं। थोड़ा है बाबा। नहीं बाबा है। बाबा हमारा कंघी काल को दे बाबा, आज आप कंघी कर दो हमारा। हेलो गाइस। सोते हुए बहुत अजीब लगते हैं, सोते हुए सभी अजीब लगते हैं। धनवी थोड़ा सा ये आवाज़ कम कर लो, मम्मा पापा को थोड़ा सा बात करना प्लीज़। सो गाइस, दिन कब सुबह हो रहा है कब रात हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। हम लोग ऐसे क्यों सोते हैं कम बताया ना, हमारे रूम का जो बेड है वो एक्चुअली उसकी सेटिंग कुछ इस हिसाब से है कि उसमें जो हमारा जो सिरहाना है वो ये है, पर हम ऐसे सोते हैं, जो सर की साइड वाला एरिया वो कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में, और जो उसका पैर करने वाला है वो दक्षिण है, साउथ। थोड़ा सा कम कर तो इसी की वजह से हम लोग ऐसे सोते हैं। धनवी थोड़ा सा बात कम कर ले। सो गाइस सुबह बात करती हूँ, धनवी बात नहीं कर लेते।
गुड मॉर्निंग। रात को हमने सोचा था कि थोड़ी सी बातचीत करेंगे आप लोगों से, लेकिन धनवी का है कि वो सो ही नहीं रही थी, तो फिर उसके बाद फिर हम सो गए। फिर सुबह मैं उठ के आ गई थी किचन में। आज मैं बना रही हूँ राजमा और साथ में पराठे। मम्मी सो रही हैं, मम्मी का मैंने गेट बाद में बंद कर दिया था क्योंकि मिक्सी वगैरह चलाओ ना तो आवाज़ आती है तो नींद टूट जाती है। और आजकल उनका ना कभी अपा हमारे घर, कभी नानी जी के घर, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो काफ़ी ज़्यादा इधर उधर भी हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा रेस्ट भी नहीं मिल पाता है इंसान को। तो गईज उसके बाद फिर मैंने खाना वगैरह बना लिया था और उसके बाद दोनों भाई का लंच पैक कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और ना मुझे आजकल पता नहीं क्यों बहुत चक्कर आ रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैं वीक हो गई हूँ मुझे ये तो पता है, लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा पहले वीक हुई हूँ, लेकिन आजकल ना मतलब ऐसे खड़े खड़े ऐसे दिमाग एकदम सर घूमने लग जा रहा है, वॉमिटिंग जैसा मन हो जा रहा है। बाकी कोई लोग सोचेंगे कि कोई दूसरी बात है, तो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो रीज़न नहीं है, बट फिर भी मुझे ना काफ़ी चक्कर आ रहा है। हमारे घर पर ना शुरू से ही लंच में हम लोग 3 रोटी देते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ना तोड़ देते हैं पहले ही, और यहाँ राजमा और साथ में रोटी दोनों जने का लंच पैक करके और मैंने रख दिया। उसके बाद फिर मैंने अपना जो किचन वगैरह है वो क्लीन कर लिया था, क्योंकि मेरे साथ ना दिक्कत है, अगर मैं साथ के साथ सारा काम कर रही हूँ तो मैं सब कुछ करती जाऊँगी, लेकिन अगर मैं थोड़ी देर भी बैठ गई उसके बाद मैं कुछ भी काम नहीं कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जितना हो सके उतना जल्दी एक साथ ही निपटाऊँ और बैठूँ ना, क्योंकि बैठने के बाद फिर कोई काम हो नहीं पाता है। ये आपको भी, आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ तो मतलब यही इशू है कि अगर मैं बैठ जाऊं या फिर अगर मैंने कुछ खाना वाना खा लिया तो फिर मैं दूसरा काम नहीं कर सकती हूं। उसके बाद आ गई थी मैं अपने रूम की सफाई करने, ये चले गए थे ऑफिस, और मैंने सोचा चादर वगैरह चेंज कर दूं। उससे पहले मैंने बेड खोला, मम्मी को बुलाया बेड खोल के, क्योंकि मुझे बेड से निकालनी थी बहुत सारी साड़ी जो भी साड़ी हैं, और किसी को देने के लिए ये सारी साड़ी निकालनी है, तो मैं यहाँ पे वही
कर रही थी, मम्मी को बुला लिया क्योंकि ये बेड का जो गद्दा है ना ये बहुत हैवी है तो अकेले उठ नहीं पाता है मुझसे रवीना से, तो थोड़ा कोई होता है ना बढ़िया उनके से। तो आप लोग सोच रहे होंगे किसको देने के लिए, कहाँ जाने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है, तो मैं आपको जल्दी ही बताऊँगी सारी चीज़ें कि किसके लिए ये सारी चीज़ें हम पैक कर रहे हैं और कहाँ जाना है। सो यहाँ पर मम्मी वही बता रही थी कौन कौन सी निकालनी है, तो मैं यहाँ पर निकाल रही थी जो जो वो बोल रही थी वो सारी चीज़ें। मैं जब कोलैबोरेशंस होते हैं ना उनकी साड़ी को ऐसे पैक करके और बेड में कुछ कहीं कहीं इस तरीके से डाल देती हूँ ताकि जब ज़रूरत हो किसी को देने के लिए तो अच्छे से दे दे। जो भी मतलब साफ़ सफाई थी वो जो भी करना था वो सब कुछ कर लिया और अभी सब कुछ ऐसे फैला हुआ है, मतलब ये जो साड़ी कपड़े ज्वेलरी चूड़ा सब निकाला है ये सब रखा हुआ है। उससे पहले मेरे को एक बहुत 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 ज़रूरी बात करनी थी इस ब्लॉग में, बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि किसको देने के लिए ये सारी चीज़ें निकाली हुई हैं सारी चीज़ें। अभी मुझे ज़रूरी बात ये करना था कि काफ़ी लोग मुझे भेज रहे थे लिंक फेसबुक पे ना, कोई पेज है जो प्रॉपर मेरी वीडियो को उठा के और वो अपने पेज पे डाल देते हैं, तो काफ़ी लोगों को ये कंफ्यूजन है कि वो मेरी मेरा पेज है, मैं अपनी वीडियोज उस पर डाल रही हूँ। तो जब से ये सारी चीज़ें चल रही है ना तो वहाँ पे मैं एक्टिव थी ही नहीं कि मैं ये सारी वीडियोस वहाँ पे उठा के डालूँगी, और इन वीडियोस का ना ही मुझे ऐसा था कि इनके मुझे व्यूज़ चाहिए, इनका मुझे डॉलर चाहिए, सच बताऊँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और बिल्कुल कैसे है ना खुशी नहीं हुई कि इसके व्यूज़ भी इतने गए तो भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि जब एक इंसान अच्छी चीज़ों पे व्यूज़ जाता है तो उसकी अलग खुशी होती है, उसका एक अलग वो होता है। तो इसमें कोई ऐसे खुशी वाली चीज़ थी नहीं कि मैं इसको फेसबुक पर भी डालूँगी, इंस्टा पर भी डालूँगी, यहाँ भी डालूँगी, वहाँ भी डालूँगी। तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि दी आप ये वीडियोस वहाँ भी डाल रहे हो ऐसे वैसे, तो मेरा वो पेज नहीं है, वो फेक पेज है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, या बहुत सारे लोगों ने तो ऑलरेडी देखा ही है, उन्होंने मुझे आके कमेंट में किया हुआ है, कमेंट किया हुआ है। सो फेसबुक पे अभी मैं एक्टिव नहीं थी, पिछले कल शाम से शायद मैं जो भी अपना वीडियो वगैरह है डालूंगी बट अभी फ़िलहाल मैंने कुछ भी ऐसा नहीं डाला हुआ है। वो एक नहीं कितने सारे फेसबुक पे फेक पेजेस बने हुए हैं जो प्रॉपर वीडियो को उठा के और वैसे ही डाल देते हैं, तो मेरा नहीं है वो, जिन जिनको लग रहा है मेरा है वो मेरा नहीं है। एंड दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं और अपनी ऑडियंस के बारे में अपने इस ब्लॉग में बात करना चाहूँगी कि मैं ऐसे ही ना कमेंट्स पढ़ती हूँ, कमेंट्स पढ़ती हूँ या इंस्टा पे भी मैं DMs देखती हूँ, एंड जो कमेंट करने का जो तरीका है ना, जो पॉजिटिविटी है, वो सच में एकदम ऐसा लगता है ना कि सच में इतने पॉजिटिव लोग हैं, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से कमेंट्स करते हैं कि देख के इतना सुकून मिलता है कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं अभी जो इतनी अच्छी तरीके से। आपको पता है जब मेरे में कुछ गलत भी होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है जो उनको नेगेटिव लगती है, उनको गलत लगती है, तो वो वर्ड्स वो चीज़ भी वो इतने सभ्य तरीके से, इतनी अच्छी तरीके से, अच्छी लैंग्वेज को यूज़ करके वो समझाते हैं, बताते हैं, चाहे वो अच्छा चाहे बुरा। तो इस चीज़ का ना मैं ऐसे इमोशनल हो गई थी मैं ऐसे ही, सच बताऊँ तो कमेंट्स देख देख के, कि सच में कितने अच्छे लोग हैं कि अगर मेरे अंदर कोई ख़राब कोई ऐसी चीज़ लग रही है ना जो इनको लग रहा है कि इनको चेंज करना चाहिए, तो उस चीज़ को समझाने का तरीका इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव वे में है। देखिए मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि हम बिल्कुल ये नहीं करेंगे कि आप हमारे बारे में अच्छा 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 ही बोलिए, क्योंकि आप चार लोग अच्छा बोलते हैं तो दो लोग गलत बोलेंगे,
क्योंकि सबका अपना देखने का तरीका, अपना चीज़ें सोचने का तरीका अलग होता है, सारी चीज़ें अलग होती है। लेकिन जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, वो मैं उनको कोई चीज़ गलत भी लगती है ना किसी की भी, तो उनका जो लैंग्वेज है समझाने का, जो लैंग्वेज है कमेंट करने का, वो देख के मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मैंने इतनी अच्छी ऑडियंस कमाई है, जिनकी अगर कोई नेगेटिव चीज़ भी है तो उसको भी बहुत पॉजिटिव वे में समझाते हैं, प्लस इतना पॉजिटिव कॉमेंट्स, और इस सिचुएशन में इतना संभाला मुझे, ऐसे प्यारे प्यारे DMs भेजे जब मैंने कमेंट ऑफ कर दिए थे, तो लंबे लंबे DM, स्टोरी, क्या क्या नहीं किया है आप लोगों ने, उसके लिए दिल से शुक्रिया कि आप लोग इस कठिन समय में मेरे साथ थे और आपने 1% भी मुझे डगमगाने नहीं दिया, बस सपोर्ट करते रहे कि निक्की आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है, आपकी लाइफ में अभी यही नहीं रुकना है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मेरे जो पैर है वो मैंने पीछे खींच लिए थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, अब मुझसे नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत नेगेटिविटी झेली है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, जो मेरे व्यूअर्स पुराने व्यूअर्स हैं वो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी उन सारी चीज़ों में मैंने अपने आप को किस तरीके से संभाला है, किस तरीके से काम किया है, वो सिर्फ मुझे ही पता है। लेकिन दिल से थैंक यू, ये मेरे जो पॉजिटिव व्यूअर्स हैं, जो मेरे लिए बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखते हैं, उनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद, वरना शायद मैं अपने पैर पीछे खींच चुकी होती और मैं कुछ भी लाइफ में आगे नहीं कर पाती, मैं यहीं रुक गई होती, क्योंकि मैं सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और तो दिल से थैंक यू, आप लोग का स्पेशल थैंक बोलना बिल्कुल बनता था कि मैं आऊं और आप लोगों को दिल से थैंक यू बोलूं, आप सबके सपोर्ट, आप सबका प्यार जो मुझे इतना मिल रहा है, आगे ऐसे ही देते रहिए, मैं अपनी पूरी मेहनत से पूरी जान लगा के काम करूंगी। एंड मेरा जो भी नॉर्मल जो मेरी लाइफ में चल रहा है उसके बारे में बता दूं, हमारी नानी जी का, जैसे कि अब आज देखा आपने मम्मी आई हैं, नहीं थी कल, तो मम्मी आ रही हैं जा रही हैं, उनका दिमाग इस टाइम इतने टेंशन में है ना, एक तो हमारी फैमिली का थोड़ा सा टेंशन, प्लस नानी जी का, कितने भी कोई बुज़ुर्ग हो जाए ना, कितने भी बुज़ुर्ग हो जाए, लेकिन माँ माँ होती है एक बच्चे के लिए, और तो वो एक चीज़ है उनके अंदर, तो वो इस टाइम उन बहुत अलग सिचुएशन में है बहुत, और इसके अलावा भी और बैक टू बैक बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो भी देखनी है, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। हमारी नानी जी का आज कल ऐसे ही चल रहा है, वो अब नहीं सरवाइव कर पाएंगी ऐसा हमें लग रहा है उनकी कंडीशन देख के, तो बस हम माता रानी से यही प्रे कर रहे हैं कि बस अच्छे से माता रानी उनको, क्योंकि वो जो कष्ट हो रहा है ना उनको इस टाइम बहुत कष्ट में है, बहुत ही ज़्यादा कष्ट, और वो कष्ट हम लोगों से नहीं देखा जा रहा है, तो बस माता रानी उनके, बस क्या ही बोलूँ मैं, और आप सबसे यही प्रे कर रही हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस मुश्किल घड़ी में बस साथ दीजिए, सपोर्ट करिए और खूब आशीर्वाद दीजिए, बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए। बाकी वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी कि कौन सा कहाँ जा रहा है, कौन सा क्या है, क्या क्या निकाला है, सारी चीज़ें। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा टाइम पर मिलती रहे। बाय।